सोमनाथ टेम्पल और अभी आप म्यूजिक सुन रहे हो, अंदर आरती हो रही होगी और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, बहुत पुराना एक मंदिर है और आपने काफ़ी सारा सुना होगा इनके बारे में, महादेव जी के बारे में। उनका जो पुराना मंदिर है उसके सामने है और ये एकदम काफ़ी साफ सुथरा कर दिया है, काफ़ी नया स्ट्रक्चर बना दिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। और सोमनाथ मंदिर के बाजू में आपको बीच दिखाई देगा, वहाँ पे भी काफ़ी सारा सुधार किया हुआ है। आपको अंदर मोबाइल, पर्स, बेल्ट, नई सामान कुछ नहीं लेने जाने देंगे, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा अंदर। और वहाँ से रास्ता है अंदर का, तो मैं ये साइड से रास्ते से आया था आपको दिखाने के लिए कि क्या है क्या नहीं है मंदिर। ये देखो पीछे मंदिर में, वहाँ पे गया था ये साइड वाले रास्ते से, तो बहुत ही खूबसूरत एटमोसफियर है यहाँ पर। हालांकि 12 बज गए हैं लेकिन धूप कम लग रही है मुझे, पसीना थोड़ा आ रहा है। कहाँ गया मैं? अगर आपको ट्रैवलिंग के दौरान इमरजेंसी है जाने की, तो यहाँ पे सुलभ शौचालय भी है तो आप जा सकते हो आराम से। सोमनाथ मंदिर आप देख रहे हो मेरे पीछे, सोमनाथ टेम्पल, और काफ़ी सब हर कोई जानता है सोमनाथ जी के बारे में, तो काफ़ी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे पौराणिक मंदिर, ये आपको वेरावट से उतरोगे स्टेशन से तो आपको मिलेगा यहाँ पर, 20 रुपये में ऑटो लेके जाएगी आपको। आपको दिखाता हूँ,
बाजार के बाजू में ये मार्केट है, आपको परचेस कर खिलौने बिलौने स्नैक्स सब लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी खिलौने हैं। बीच है और आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे जाकर बीच के पास, हाँ सोमनाथ के मंदिर के पास ये बीच है और यहाँ पे देखिए आप उसका नज़ारा, मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ओ माय गॉड पूरा पानी ने मेरे जूते को ख़राब कर दिया आपके वीडियो बनाते हुए, अब मेरा पूरा जूता धूल धूल हो जाएगा। सोमनाथ बीच ये है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत छोटा सा बीच है, यहाँ पे राइड्स वाइड सब है, यहाँ पे राइड्स वाइड सब है। और ये हमारे भाई है, कितने का है एक राइड का, कितना है? 20 रुपये एक आदमी, 20 रुपये एक आदमी है, बहुत सस्ता है। कहीं और जाओगे तो 50 रुपये मिलेंगे, घोड़े की राइड कर सकते हो। और खूबसूरत बीच है, यहाँ पे नहा सकते हो लेकिन थोड़ा खतरा है, हाँ काफ़ी लोग यहाँ पे डूबे हुए। ये बाइक राइड भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, फोटोग्राफर बाइक भी है। मैं आपको थोड़ी नज़ारा दिखाता हूँ, वेव्स के कैसा वेव्स है यहाँ पर। दोस्तों देखा आपने बीच का नज़ारा, और मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और जुड़ते रहिए मेरे साथ मेंस वर्सेस ट्रैवल में। ये आपको अगर सोमनाथ आना है तो आपको वेरावल से ट्रेन मिल जाएगी, वेरावल तक ट्रेन मिल जाएगी, फिर वहाँ से आप ऑटो करके कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है सोमनाथ का। और काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं और शिव जी का एक
ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है सोमनाथ में। ये एक ज्योतिर्लिंग है सबसे बड़ा सोमनाथ, और काफ़ी सारी स्टोरी इनके साथ जुड़ी हुई है। तो जल्दी से मिलेंगे अगले और मुकाम पे। थैंक यू वेरी मच।